अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की मेरी रेसिपी बहुत ही सिंपल है, सादा है, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और ऐसे मौसम में हम लोग थोड़ी क्विक रेसिपीज ही खाना पसंद करते हैं कि बस किचन में हम बहुत ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज हम चना दाल फ्राई बना रहे हैं, बहुत ही मज़े की, सिंपल और बिल्कुल ढाबा स्टाइल की ये बनती है। सबसे पहले हमने एक पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल ले लेना है। उसके बाद मैं इसमें साबुत गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। मेरे पास जीरा है 1/2 टीस्पून, गोल काली मिर्चें हैं 4 से 5, एक काली इलायची और 2 लौंगे। बस हमने इसको कुछ सेकंड कड़कड़ा लेना है। फिर मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर रही हूँ, फाइनली चॉप मैंने इसको कर लिया है। इसको हमने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। अब मैं इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। 2 ग्रीन चिलीज़ को मैंने फाइनली चॉप करके ऐड कर दिया है। 1/2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक को सौते कर लेने के बाद मैं इसमें 1 बड़े साइज़ के टमाटर को फाइनली चॉप करके ऐड कर रही हूँ। टमाटरों को हमने 1 से 2 मिनट सौते कर लेना है। उसके बाद मैं इसके अंदर ड्राई स्पाइसेज ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायका और हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। मसालों को 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसके अंदर दाल ऐड करूँगी। दाल को मैंने 1 आवर सोक करके बॉयल कर लिया है और उसका 1/2 कप मैंने पानी भी सेव कर लिया था, जिस पानी में मैंने दाल को बॉयल किया है। देखिए आप मेरी दाल के अंदर देख रहे होंगे कि थोड़ा सा पानी भी है। इन केस अगर आप दाल का पानी सेव करना भूल गए हैं तो आप नॉर्मल वाटर भी ऐड कर सकते हैं। बस इस स्टेज पे हमें इसमें 1/2 कप पानी भी ऐड करना है। मेरी दाल में था इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। चने की दाल को मैंने 1 आवर सोक कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको इतनी देर बॉयल किया कि दाल ने अपना शेप भी नहीं छोड़ा और ये 90-95% तक पक भी चुकी है। अब हम दाल को कवर करके 4 से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। इससे पानी भी ड्राई हो जाएगा और दाल भी अच्छे तरीके से तमाम स्पाइसेस के साथ पक जाएगी। अब दाल हमारी रेडी है, अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। अब हम जल्दी से इसका तड़का रेडी करेंगे। तड़का बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्विकली रेडी भी हो जाएगा। 2 टेबलस्पून हमने घी ले लेना है पैन के अंदर और उसको मेल्ट कर लेंगे हम। और एक छोटे साइज की प्याज को 1/2 लेके हम उसको स्लाइसेस में कट कर लेंगे। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर जीरे का ऐड कर रही हूँ। और मेरे पास ये कड़ी पत्ता है, ये मैंने 7 से 8 ले लिए हैं, क्योंकि मेरा ये फ्रोज़न है इसलिए थोड़ा डार्क कलर का है। आखिरी में मैं इसके अंदर बिल्कुल पिंच इसके अंदर मैं पेपरिका का ऐड कर रही हूँ ताकि तड़के में मेरे कलर आ जाए। आप इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल एक चुटकी बराबर। और बस ये ऐड करते ही हम फौरन इस तड़के को अपनी दाल के ऊपर डाल देंगे। तो जी जनाब, अब हम अपने तैयार किए हुए तड़के को डायरेक्टली अपनी दाल के ऊपर डाल देंगे। दाल को मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। ये छोटे साइज़ की कढ़ाई है मेरे पास, जिसको डायरेक्ट आप सर्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये दाल। और मैं इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप इसके ऊपर अदरक भी जूलियन कटिंग करके स्प्रिंकल कर दीजिएगा, उससे बहुत अच्छा रहता है, खूबसूरत भी लगती है और वो टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और बहुत ही मज़े की और शानदार ये दाल बनती है। आप इसको तंदूर की रोटियों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, इवन चावलों के साथ भी ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस क्विक सी रेसिपी को और मुझे अपना फ़ीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कि ये कैसी बनी। और जितनी ही दिखने में ये प्यारी लग रही है, उतनी ही ये टेस्ट में भी ज़बरदस्त है, ये गारंटी है। और अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को मेरे ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग यमी रेसिपीज़। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।